वही रोज की रोटी सब्जी खा खा के कभी कभी मन करता है कुछ अच्छा टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसा हेल्दी खाया जाए। सॉरी, हेल्दी तो होता ही नहीं ना बाजार का, पर घर में तो हम उसे हेल्दी कर सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, एकदम बढ़िया क्रिस्पी, वो भी सूजी के बने हुए पिज़्ज़ा बॉम्ब। और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और क्रिस्पी कितने ये तो आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना के तैयार करते हैं, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप के लगभग सूजी ली है, मोटी या पतली कैसी भी सूजी लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ्राइंग पैन के अंदर 1/2 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और 2 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे। जितनी हमने सूजी लेनी है उसका डबल हमको पानी डालना है। बस अब पानी डालने के बाद हम इसके अंदर 1/2 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि कलर अच्छा आ जाए। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, मेरे पास थे ही नहीं तो मैंने नहीं डाले। मैं तो उन्हीं चीज़ों से वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ या रेसिपी, जो चीज़ें घर में आराम से अवेलेबल हो, क्योंकि तभी मज़ा आता है। अब कोई भी रेसिपी बनाने बैठो अब सोचते रहो ये नहीं है वो नहीं है, नहीं बनाते, इससे अच्छा है जो है उसी से बनाते हैं। अब धीरे धीरे ये देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने सूजी डाली है ना, थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाइए और लगातार चलाते जाइए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके सामने ही दिखा रही हूँ, बिना वीडियो स्किप किए जरा से भी लम्ब्स नहीं बनेंगे और सूजी फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और सूजी इस तरह से जो है एक डो का फॉर्म ले लेगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। सूजी का बनने वाला ये सबसे टेस्टी नाश्ता है जो बच्चे क्या पड़े सबको बहुत पसंद आएगा। अब ये जो सूजी का डो बनाए इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और उसे ढककर रख देंगे ताकि उसके ऊपर एक पड़पड़ी सी ना बने और वो ठंडा हो जाए। हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। इतने वापस से 1 चम्मच तेल लेंगे, 1 चम्मच मक्खन लेंगे। जब मक्खन और तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च जो है बारीक कूट के पीस के या चॉप करके जैसे आपका मन हो वैसे डाल दीजिए। 1 चम्मच लहसुन डाल देंगे। अब मक्खन के अंदर जैसे ही लहसुन भूनता है ना इतनी लाजवाब स्मेल आती है और पूरी रसोई के अंदर खुशबू भर जाती है। अब एक छोटा बारीक प्याज को मैंने बारीक काट के डाल दिया है। अब जब प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अदरक लहसुन भून जाएंगे तब हम इसके अंदर थोड़ी सी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियां आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने कोई पिज्जा वाली सब्जियां यूज़ की हैं। मैंने डाली है थोड़ा सा बॉयल कॉर्न, 1 छोटी गाजर और 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक चॉप करके। सारी सब्जियां हमें बारीक चॉप करनी है और हमें एक कुक नहीं करनी, बस हल्का सा इनका कच्चापन खत्म करना है लेकिन इनका क्रंच खत्म नहीं होना चाहिए। बस 15-20 सेकेंड तक हम सब्जियों को अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच मैंने नमक, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स डाली हैं और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास मिक्स हर्ब ना हो तो अपना धनिया जीरा बढ़िया है, अमचूर पाउडर डालिए, धनिया जीरा डालिए, बच्चों को कौन सा पता लगना है और वो तो बस ये देख के खुश हो जाएंगे कि अंदर क्या है खास चीज़, टोमेटो केचप और चीज़। 2 चम्मच मैंने टोमेटो केचप डाली है, 1 चम्मच शेजवान सॉस डाल दी, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर के हमारे ये पिज़्ज़ा बॉम्ब बन के तैयार हुई थी और वाकई खाने में बहुत अच्छी थी। अब इसकी खास बात क्या है कि आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को सुबह के समय टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बस इस तरह से हम इसे गैस को बंद कर देंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी के लगभग मोज़रेला चीज़ मिला दिया है। आपकी मर्जी, अगर आपको चीज़ ना मिलाना हो तो उसके बिना भी बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि जो हमने टोमेटो केचप और शेजवान सॉस डाली है ना उससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है। आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा है और साथ में इतनी देर जो हमने सूजी का डो बना के रखा था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर भी अभी काफ़ी गर्म है। अब इसे हल्के हाथ से मस लेंगे और अगर थोड़ा बहुत पानी या 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे और इसको बिल्कुल एक नरम सॉफ्ट डो इसका लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा आराम से डो हो रहा है। मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग ऑयल और डाला है ताकि ये हाथों में चिपके ना और आराम से इसका डो की तरह बन जाए। बस 15-20 सेकेंड लगेंगे और ये भी डो बन जाएगा। अब हम हाथों को फिर से चिकना करेंगे और नींबू से थोड़े से बड़े आकार के साइज़ के जो अपने सूजी के बॉल्स हैं वो लेते जाएंगे, इस तरह हथेलियों में गोल करेंगे, फिर इसे गोल गोल करके कटोरी की सी शेप देंगे। अब जो फिलिंग हमने बनाई है ना वो 1-1 चम्मच या 1.5-1.5 चम्मच जैसे आपकी मर्जी हो इसके अंदर भरते जाएंगे और इसको साइडों से सील करते जाएंगे। बस हल्के हाथ से इसको चिपका चिपका के सील कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा छोटे 1.5 चम्मच भर दिया। अब मैं इसे किनारों से इस तरह से हल्के हाथ से दबाऊंगी और नीचे से हथेली का सपोर्ट देंगे ताकि नीचे से ये खुले ना, और ये सूजी है तो ये आराम से चिपक जाती है तो इसमें ज़्यादा क्रैक्स आएंगे ही नहीं। और क्रैक्स अगर आएंगे भी, क्योंकि पिज़्ज़ा है ना, क्योंकि चीज़ भरा है मोज़रेला, तो क्रैक्स नहीं आने चाहिए।
अगर वैसे तो इन क्रैक्स को ऐसे ख़त्म कर लो, ये देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं जो मैंने किया बाद में, ताकि इनका कढ़ाई के अंदर फटने का डर ही ख़त्म हो जाए। मोज़रेला चीज़ एक्चुअली में जब गर्म करो ना तेज़ी से फैलता है, और जिस चीज़ के भी अंदर से फिल करेंगे ना उसको, ये लेयर्स को फाड़ के बाहर आ जाता है, उससे सारे जो ऑयल है वो गंदा हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह से ये सूजी की पैटीज़ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब ये देखिए टोटल एक कप जो सूजी थी उसके अंदर 9 हमारी बड़ी बड़ी पैटीज़ बन के तैयार हुई हैं। अब मैंने क्या किया, एक जो कटोरी है उसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के लगभग मैदा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से कलर के लिए। बस अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला बैटर बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बैटर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, इसकी हम ये सूजी वाले के ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे, और उससे ऊपर से इसको जो मेरे पास तो कॉर्नफ्लेक्स का चूरा पड़ा था, कॉर्नफ्लेक्स पड़े थे थोड़े से सील गए थे, तो मेरे को लगा इसका बेस्ट आइडिया है। कॉर्नफ्लेक्स को मैंने हल्का सा हाथों से चूरा किया। अब एक एक पैटी को हम उठाएंगे इस तरह, जो हमने स्लरी बनाई है बिल्कुल पतली, ये देखिए कितनी पतली है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। उस स्लरी के अंदर इसको 1 से 2 बार डिप करेंगे, और उसके बाद कॉर्न का जो चूरा है ना वो हम इसके ऊपर अच्छे से लपेट देंगे। चारों तरफ से हल्के हाथ से टैप करते हुए हमें अच्छे से चारों तरफ जो है इसके कॉर्नफ्लेक्स लगाने हैं। इससे हमारी पैटीज ऊपर से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से चीजी, और बच्चे तो इनको खाकर खुशी हो जाने वाले हैं। बस ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसको चारों तरफ से कवर करते हुए सील कर दीजिए। एक पैटी मैं अभी आपको और करके दिखाती हूँ, पहले इसे पानी में यानी स्लरी में डिप कीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। मैंने सारी पैटीज़ इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आप चाहें तो इनको आराम से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप खाली सूजी की पैटीज़ को स्टोर करते हैं ना, सूजी में क्रैक पड़ जाते हैं और फिर वो तेल में डालने पे फट जाती हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर मैदा की बिल्कुल पतली लेयर और कॉर्नफ्लेक्स चढ़ा दिए, तो ये क्रिस्पी भी ज़्यादा बनेंगे, और बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो नहीं आएगा जो ऑयल में फटने का डर होता है या ख़राब हो जाती हैं, वो कुछ नहीं होगा। अब बस इसको बहुत तेज़ गर्म तेल में तलना है, और बिल्कुल 2-3 मिनट तक छूना नहीं है। 2-3 मिनट के बाद जब अपने आप ये लाल हो जाएंगे, बीच में थोड़ी वीडियो स्किप हो गई तो सॉरी, वो तो मेरे साथ अक्सर होता ही रहता है, क्या करूँ, जल्दबाजी होती है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, हाथ कहीं और, ऐसे अक्सर मेरे साथ होता है। पर चलो कोई बात नहीं, आज तलना तो आपको आता ही है, इतनी सारी चीज़ें मैंने तल तल के दिखाई हैं, काफ़ी प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं, टमाटो केचप के साथ ही सर्व करना है, क्योंकि बेस्ट उसी के साथ लगती है, वैसे ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी गोल गोल पैटीज़ बनी और क्रिस्पी कितनी है, ये तो आपको आवाज़ से पता लग जाएगा, मैं अभी आपको दिखा दूँगी, और देर तक ये ऐसी ही बनी रहेंगी। आप आराम से इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 2-3 दिन तक स्टोर कीजिए, जब बच्चों को टिफ़िन में देनी हो या सर्व करनी हो, नाश्ता कुछ मांगे, तो बस फटाफट से फ्राई करके दे दीजिए। और ये देखिए अंदर तक कितनी अच्छी तरह से ये फिलिंग भरी हुई है, और खाने में बहुत चटपटी है। तो चलिए बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।